Hello everyone. Today we are going to start with the very first chapter of Environment. The book is by Shankar IAS और इसका पहला chapter है Ecology. Ecology दो words से मिलके बना है. पहला तो है oikos. इसका मतलब है घर या वो जगह जहां हम रहते हैं. दूसरा word है logos. इसका मतलब है पढ़ना. यानी कि हम जिस जगह पे रहते हैं हमारे आसपास के वातावरण के बारे में पढ़ना इकोलॉजी कहलाता है. इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से है. एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट. यानी कि जितने भी जीवंत पदार्थ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब पेड़ पौधे भी होता है, जानवर भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, कीड़े मकौड़े भी होते हैं, वो सभी जो जीवंत हैं, बढ़ते हैं, जिंदा हैं, उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता और एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के साथ रिश्ता कहलाता है इकोलॉजी. इस चीज की स्टडी करने को, इस पूरी साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी. ओके, और इस इकोलॉजी में आता है एनर्जी फ्लो कैसे होता है इन सारे जीव जंतुओं के बीच में और पर्यावरण के बीच में, और मिनरल्स का आदान प्रदान, मिनरल साइक्लिंग, मिनरल एक से दूसरे में कैसे जाते हैं, जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. अब हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारे टेक्स्ट में जो पुराने वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्रह्माना है, संहिता है, उन सब में इकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है. हम जानते हैं हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है. ऑलमोस्ट बहुत सारे पेड़ों की पूजा होती है, हमारे रिचुअल्स में यूज होते हैं. तो इकोलॉजी का हमारे पुराने टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. और जो दो सबसे बड़े संहिताएं हैं भारत की, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इन दोनों में प्लांट और एनिमल के बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग बताई गई है इतने सालों पहले लिखी हुई इन संहिताओं में. चरक संहिता में एक बात कही गई है, इंफॉर्मेशन दैट एयर, लैंड, वाटर एंड सीजंस वर इंडिस्पेंसेबल फॉर लाइफ एंड दैट पोल्यूटेड एयर एंड वाटर वर इंजीरियस टू हेल्थ. यानी हम देख सकते हैं इतने सालों पहले ये बात कह दी गई थी चरक संहिता में कि हवा, जमीन, पानी और मौसम ये जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अशुद्ध हवा और पानी हेल्थ के लिए खतरनाक है. जबकि उस समय इतना प्रदूषण नहीं था जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया है. स्टिल उसमें बता दिया गया था कि इन चीजों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए. जैसे कि हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहे हैं आजकल, ठीक है, कहीं पे जहाँ सर्दी थी वहां गर्मी पड़ जाती है, अचानक से बारिश होती है तो बहुत हो जाती है. तो ये चीजें बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए और इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जो कि अब हो रही है आजकल. नेक्स्ट वी हैव एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स. तो एनवायरमेंट किसे कहेंगे? किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी जीती जागती चीज के आसपास जितनी चीजें होती हैं, दैट सराउंड्स और इफेक्ट्स, यानी जितनी चीजें हमें घेरे हुए हैं और जितनी चीजें हमारे ऊपर असर डाल रही हैं, वो हमारी पूरी जिंदगी में इन आवर लाइफ टाइम, उसे कहते हैं एनवायरमेंट. ओके, डेफिनेशन की बात करें तो एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म. यानी जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव निर्जीव दोनों, जितनी भी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं. सजीव निर्जीव का मतलब है कि सजीव तो हो गए पेड़ पौधे, हो गए बैक्टीरिया, वायरसेस भी हो गए, आसपास के जानवर भी हो गए, और निर्जीव कौन सी चीजें हुई, हवा, पानी, गैसेस, जमीन, ये सब निर्जीव है. लेकिन यहाँ पे असर डालती है इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स, जो मौसम में जो घटनाएं होती हैं, कई बार प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, जो हवा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनकी मात्रा बढ़ घट रही है, किसी गैस की मात्रा बढ़ रही है, किसी की घट रही है, ये सब चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स हो गए. और एक ऑर्गेनिज्म को घेरे हुए, ऑर्गेनिज्म कौन हुए, हम या जितने भी जीव जंतु सजीव चीजें हैं, तो इन सबको घेरे हुए वो सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स, उनका सम टोटल कहलाता है एनवायरमेंट. ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरस टू मैन, यानी छोटे से वायरस से लेकर के आदमी तक, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं फूड के लिए, एनर्जी के लिए, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर, हर चीज के लिए, रहने के लिए हम डिपेंडेंट हैं, पानी के लिए डिपेंडेंट हैं,
एनर्जी के लिए हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। आगे हम स्टडी करने वाले हैं इन सबके बीच का रिलेशनशिप, जो कि काफी पेचीदा है और इसमें दोनों तरह की चीजें आती हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। बायोटिक आपको याद रखना है, बायोटिक यानी लिविंग जिंदा चीजें और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीजें। तो जब हम एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच की बात करते हैं तो हम बायोटिक और अबायोटिक दोनों की बात करते हैं। एनवायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, एनवायरमेंट स्थिर नहीं है। बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक आर इन अ फ्लक्स एंड कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली। दोनों निर्जीव और सजीव बदलते रहते हैं, नेचुरल सी बात है। ना तो कहीं हमेशा सिर्फ गर्मी पड़ती है, ना कहीं हमेशा सिर्फ पानी होता है, और दुनिया में जो सजीव है वो तो पैदा होते हैं मरते हैं। तो एनवायरमेंट जब इन सब चीजों से मिलकर बना है तो नेचुरल सी बात है एनवायरमेंट स्टैटिक नहीं हो सकता। नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, लेट्स सी। अबायोटिक यानी निर्जीव चीजें, इनमें कौन सी आती है? एनर्जी, ऊर्जा, रेडिएशन, विकिरण, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, गर्मी, वाटर, पानी, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड्स, आग, गुरुत्वाकर्षण, टोपोग्राफी यानी कहां पर जमीन कैसी है वो, मिट्टी, जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम यानी धरती के अंदर क्या है, क्रस्ट के अंदर क्या है, ये सारी चीजें हमारी निर्जीव चीजें और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असर डालती हैं। अब देखते हैं बायोटिक यानी सजीव चीजें, जो बहुत नेचुरल सी बात है, हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, सब में क्लोरोफिल नहीं होता है, सब लोग भोजन नहीं बनाते हैं, यू नो, डीकम्पोजर्स, बैक्टीरियाज एंड ऑल, पैरासाइट्स, परजीवी, सिम्बायंट्स यानी कि सहजीवी। एक तो परजीवी होते हैं और एक सहजीवी होते हैं, जो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। और लास्टली मैन, मनुष्य। तो अब एक फिश यानी मछली का एग्जांपल लेते हैं। फिश का जब हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम दो तरह के एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या आता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट में अबायोटिक चीजें भी आती हैं और बायोटिक चीजें भी आती हैं, यानी सजीव निर्जीव दो तरह की चीजें ही आती हैं। अबायोटिक में जैसे कि हम जानते हैं लाइट, टेम्परेचर, वाटर जिसमें ऑक्सीजन रहते हैं, गैसेस रहती हैं, ये सारी चीजें हो गई निर्जीव चीजें। दूसरा हो गया बायोटिक चीजें। अभी भी हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी मछली के शरीर से बाहर जो भी है उसमें बायोटिक में आता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, प्लैंकटन, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, डीकम्पोजर्स। प्लैंकटन तो जो मछली खाती है, उसके अलावा पानी में बहुत सारे जानवर होते हैं, पानी में दूसरे पेड़ पौधे होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरियाज एंड ऑल, ये सभी बायोटिक हैं। तो मछली के शरीर के बाहर दो तरह की चीजें हुई, एक तो अबायोटिक और एक बायोटिक। नाउ एक्सटर्नल के बाद में मछली के शरीर के अंदर भी तो एक एनवायरमेंट है, इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है, इट इज इंक्लोज्ड बाय आउटर बॉडी सर्फेस, राइट। और इंटरनल एनवायरमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। हमारे शरीर के अंदर उतनी तेजी से चेंजेस नहीं आते हैं जितना हमारे शरीर के बाहर आते हैं, वरना हम जी ही नहीं पाते अगर इतना तेजी से चेंजेस आ रहे होते। तो अंदर का एनवायरमेंट भी बदलता है लेकिन उतना तेजी से नहीं जितना बाहर बदलता है, तो इसे रिलेटिवली स्टेबल कहते हैं। इट इज नॉट एब्सोल्यूटली कॉन्स्टेंट, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होता है। क्या क्या चेंज आते हैं? बीमारियां हो सकती है, चोट लग सकती है, तो शरीर के अंदर का वातावरण भी तो बदल रहा है। तो इंटरनल एनवायरमेंट इज नॉट एब्सोल्यूटली कॉन्स्टेंट बट इट इज रिलेटिवली स्टेबल। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ अ मरीन फिश इज ट्रांसफर टू अ फ्रेश वाटर एनवायरमेंट इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। यानी जो समुद्री मछलियां होती हैं वो समुद्र में ही रह सकती हैं, वो फ्रेश वाटर यानी किसी नदी में, झील में नहीं रह पाएंगी, क्योंकि उनका इंटरनल एनवायरमेंट, उनका शरीर सपोर्ट नहीं करेगा, तो उनका इंटरनल एनवायरमेंट इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि वो वहां पर मर जाएंगी। ओके,
So internal environment also gets disturbed. Now we have come to the point of levels of organizations in ecology. यानी ecology को कई सारे levels में divide किया है. Mainly there are six. और six levels कौन से हैं? चलिए देखते हैं. From this picture, you can see all the six levels. Individual. Okay, उसके बाद आता है population. फिर आता है कम्युनिटी, फिर आता है इकोसिस्टम, देन बायोम एंड देन बायोस्फीयर. तो ये छह लेवल हैं इकोलॉजी के ऑर्गेनाइज. इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर. अब इनमें से हर एक को डिटेल में देखते हैं. सबसे पहला लेवल हमारा है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब अकेला कोई भी जीव जंतु प्राणी मनुष्य. ये प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस सब कुछ. ओके, एंड इनकी बॉडी होती है जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी होती है, और इस बॉडी के अंदर लाइफ के वेरियस प्रोसेसेस चलते हैं. राइट, नेक्स्ट कम्स पॉपुलेशन. जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम बात कर रहे थे, जब वो इंडिविजुअल बहुत सारे नंबर्स में होता है, देन इट बिकम्स पॉपुलेशन. It is a group of organism, usually of the same species, occupying a defined area. Right? जैसे इंसानों की population, जानवरों की population. कहीं पर अगर बीमारियाँ होती है तो वहाँ किसकी population बढ़ती है? Bacteria, virus की population. फिर आता है population growth rate. Growth rate positive और negative दोनों हो सकती है. Positive का मतलब है population बढ़ रही है. अगर growth rate negative है तो इसका मतलब population कम हो रही है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब ये नहीं है कि बढ़ना, इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ. जो बढ़ाने वाले फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन, वह बर्थ एंड इमिग्रेशन, जन्म होना और कहीं से लोगों का आना. एक जगह पर अगर कहीं और से लोग आते हैं उसे इमिग्रेशन कहते हैं, और उससे जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है. और इसका ऑपोजिट क्या होता है? डेथ एंड एमिग्रेशन, यानी मृत्यु से, और एमिग्रेशन यानी लोगों के जाने से. किसी जगह को छोड़कर अगर लोग चले जाते हैं पॉपुलेशन कम हो जाती है. वेरी बेसिक थिंग्स. पॉपुलेशन के लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? बायोटिक एंड अबायोटिक. देन वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी यानी एक जगह पर कितने लोग रहते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. थर्ड लेवल है हमारा कम्युनिटी. कम्युनिटी क्या होती है? कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं जी सकता है. हम सभी दूसरे पर निर्भर करते हैं. राइट, वी ऑल depend on each other. In order to survive, individuals of one species depend on individual of different species. Okay? तो वो सब मिलके बनता है community. जिनके साथ हम रहते हैं, जिनसे हमारा लेन देन होता है, जिनसे मतलब होता है, पौधों का जानवरों से, जानवरों का पौधों से. जैसे animals को food चाहिए और tree चाहिए, वैसे ही plants को pollination के लिए, उनके बीज फैलाने के लिए, सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाने के लिए किससे बढ़ता है? बैक्टीरिया से बढ़ता है, जानवरों के अवशिष्ट से बढ़ता है. ठीक है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए जानवरों की ज़रूरत है. सो एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब मिलके बनाते हैं कम्युनिटी. जो डोमिनेंट स्पीशीज़ है उसके आधार पर ही मोस्टली नाम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रास लैंड है तो ग्रास लैंड कम्युनिटी में ऐसा नहीं कि दूसरे श्रब्स नहीं है, दूसरे पेड़ पौधे नहीं है, कोई और जानवर नहीं है, लेकिन वहाँ मेजरली घास उगती है, तो उसे हम ग्रासलैंड कम्युनिटी कहते हैं. कम्युनिटी फिक्स्ड या रिजिड नहीं होती है. नेक्स्ट वी हैव विद अस टाइप्स ऑफ कम्युनिटी. साइज के आधार पर हम कम्युनिटी को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है मेजर कम्युनिटी और दूसरा है माइनर कम्युनिटी. मेजर कम्युनिटी कौन सी होती है? जो बड़ी होती है, जो मोस्टली सेल्फ डिपेंडेंट होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी उसको एक एरिया में रहने का तरीका आ चुका है, और उसके आसपास क्या डिफरेंस, उसके आसपास की सिचुएशन चेंज होने से उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता. एज वी कैन सी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटीज. जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट,
जो माइनर चेंजेस से उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनर कम्युनिटीज कौन सी होती है? विच आर डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज। ओके, जैसे अ मैट ऑफ लिचन ऑन अ काउ डंग पैड, जो खुद अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती, वो किसी और के ऊपर सर्वाइव करती है। अगर वो चीज़ खत्म हो जाए जिसके ऊपर सर्वाइव कर रही है, तो ये खुद भी सर्वाइव नहीं कर सकती। दीज आर कॉल्ड माइनर कम्युनिटी और देर नॉट देयरफॉर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट्स। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ये डिपेंडेंट यूनिट्स हैं। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी? यानी एक कम्युनिटी में अलग अलग स्पीशीज हैं, अलग अलग तरह के जानवर हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इंसान हैं। इनमें से हर एक कितनी संख्या में है, उनकी कैसी आदतें हैं और उनका आपस में एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, ये सब उस कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर यानी संरचना, यानी वो कम्युनिटी कैसे वर्क करती है, बेसिकली ये चीज़ डिफाइन करते हैं। इट इज़ टर्म्ड एज स्ट्रक्चर विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द रोल्स प्लेड बाई वेरियस पॉपुलेशन, देयर रेंज, द टाइप ऑफ एरिया दे इनहैबिटेड, द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, यानी इस कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज हैं, कौन कैसा बिहेव करता है, किसकी संख्या कितनी है, कौन कितना डोमिनेट करता है, इन सबको मिला के कम्युनिटी का स्ट्रक्चर बनता है। फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इकोसिस्टम में क्या आता है? इसमें आते हैं प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिशेस, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल एंड पीपल। यानी कि इसमें अबायोटिक और बायोटिक दोनों चीज़ें आती हैं। ओके, इट इज़ मेड ऑफ बोथ लिविंग बींग्स एंड फिजिकल एनवायरमेंट। और लिविंग बींग्स और फिजिकल एनवायरमेंट का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, वॉट इज़ द एक्सचेंज बिटवीन देम, एक दूसरे से क्या लेन देन होता है, उसके आधार पर एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम में जितने भी स्पीशीज होते हैं सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर इकोसिस्टम का एक पार्ट डैमेज होता है या गायब हो जाता है, तो उसका असर बाकी सब पे देखने को मिलता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। हेल्दी इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? कि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स अभी मैंने बताए वो सब प्रेजेंट है और बैलेंस में है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब बाघों की संख्या कम हो रही थी तो बहुत चिंता दिखाई गई थी, क्योंकि बाघ अगर कम हो जाएंगे तो उसका असर पूरे इकोसिस्टम पे पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि बैलेंस मेंटेन किया जाए, जितना नंबर होना चाहिए उतना नंबर मेंटेन किया जाए। इकोसिस्टम ज़रूरी नहीं पूरी दुनिया हो। इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज ए सिंगल ट्री। एक पेड़ भी एक इकोसिस्टम है और एक पूरा जंगल भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि पेड़ पर भी कई सारे पक्षी निवास करते हैं, पेड़ पर कई सारे जानवर डिपेंड करते हैं, पेड़ खुद बायोटिक है, उसके आसपास मिट्टी होती है, वो मिट्टी पर डिपेंड करती है, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एक पेड़ खुद एक इकोसिस्टम है और एक पूरा जंगल भी एक इकोसिस्टम है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। अबायोटिक यानी जो जिंदा नहीं है, निर्जीव है। इसमें सारे इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट आते हैं, जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसमें केमिकल्स भी आते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और फिजिकल प्रोसेस यानी दुनिया में जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, फ्लड, बाढ़, भूकंप, तूफान, मौसम, वातावरण, जलवायु, फॉरेस्ट फायर। अभी आपको पता है अमेजोन के जंगलों में आग लगी हुई है, यू नो दैट। तो ये सारी चीज़ें भी इकोसिस्टम का हिस्सा है और अबायोटिक पार्ट है। अबायोटिक पार्ट ही डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना अच्छे से रह सकती है। अगर हमारे आसपास मिट्टी अच्छी हो, पानी अच्छा हो, सब कुछ हमारे अनुकूल हो, तो वी कैन लिव नाइसली। ओके, एंड इट अप्लाइज टू एवरी ऑर्गेनिज्म। तो अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना अच्छे से रह सकती है। सो लेट अस गो, सो लेट अस ईच ऑफ देम सेपरेटली। फर्स्ट इज एनर्जी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, हियर वी टॉकिंग अबाउट एनर्जी फ्रॉम द सन, क्योंकि एनर्जी जो सन से एनर्जी आती है, सूरज से जो ऊर्जा मिलती है, उसी से तो प्लांट्स बनाते हैं फूड, और उसी फूड को फिर बाकी सारी ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करती है। सिंस एनिमल्स यानी कि इंक्लूडिंग इन ह्यूमन बींग, डायरेक्ट सोलर एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने बॉडी में, तो वी ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स।
इस तरह से एनर्जी हमको मिलती है. वी नो वाटर इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस. हम लोग बिना पानी के हमारा काम नहीं चल सकता है. सो नॉट एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट मच. नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर. टेम्परेचर इज अ क्रिटिकल फैक्टर. इट डिफाइंड्स द इंटायर ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड. कहाँ पे कम टेम्परेचर है, कहाँ पे ज़्यादा है, उसके हिसाब से वहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे बारिश होती है. सो यस, टेम्परेचर इज अनदर वन. देन वी हैव एटमोसफियर. इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी नीड टू हैव एन एटमोसफियर अराउंड अस. हमारे आसपास ये जो एटमोसफियर है, वातावरण है, उसकी वजह से हम जिंदा हैं. अगर एटमोसफियर नहीं होगा तो वी कैन नॉट सस्टेन. और सिर्फ एटमोसफियर का होना काफ़ी नहीं है, वी नीड अ हेल्दी बायोस्फियर ऑन दिस प्लानट. नेक्स्ट वी हैव सबस्ट्रैटम. सबस्ट्रैटम मीन्स जो क्रस्ट है, जिस जमीन पे हम लोग रहते हैं. ओके, इट इज कवर्ड बाय सॉयल एंड वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, स्मॉल एनिमल्स एंड ऑल दिस. ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हो सकते हैं. टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं, एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं. नेक्स्ट अबायोटिक कॉम्पोनेंट इज मटीरियल्स. मटीरियल्स में क्या आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ह्यूमिक सब्सटेंस. और ये किससे बनते हैं? ये खुद इनऑर्गेनिक कंपाउंड के डीकम्पोजिशन के बाद बनते हैं. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जो हमारे बॉडीज में पाए जाते हैं और हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सल्फर, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट मेंशन हियर इज लैटिट्यूड एंड आल्टीट्यूड. ये हम सभी जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं. जो लॉन्जिट्यूडिनल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं. लैटिट्यूड और आल्टीट्यूड का एक एरिया के टेम्परेचर पे और वहाँ के क्लाइमेट पे बहुत असर होता है. 0 degree पे इक्वेटर पे गर्मी होती है, जैसे ही हम हायर डिग्रीज पे मूव करते हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाता है. और फिर हमको पोलर, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इस तरह की ज्योग्राफी मिलनी शुरू होती है. और ये क्लाइमेट डिटरमाइन करते हैं नेचुरल बायोम्स. बायोम्स हम इसके बाद पढ़ेंगे. अब हमारा आता है बायोटिक कॉम्पोनेंट्स. इतनी देर तक हम सारे अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स देख रहे थे विच आर लाइफलेस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बायोटिक कॉम्पोनेंट्स जिनमें जान होती है, विच आर लाइवली. इसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म. पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, बैक्टीरिया, वायरस, दे ऑल कम इनटू बायोटिक कॉम्पोनेंट्स. इनको मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिन्हें ऑटोट्रोफ्स कहते हैं या सेल्फ नरिशिंग. कौन होते हैं? प्लांट्स ऑब्वियसली. दे ग्रीन प्लांट्स, दे आर द ओनली वंस हु प्रोड्यूस फूड. फूड वही बनाते हैं जिसको हम लोग बाद में यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में. और कुछ बैक्टीरिया एंड एल्गी. सो उन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं. और आपको ये भी याद रखना है कि इन्हें ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं. ये क्या करते हैं? ये सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एंड फ्रॉम दैट दे क्रिएट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट दैट वी कंज्यूम, जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसे ये क्रिएट करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय जमीन पर प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली हर्बिशियस एंड वूडी प्लांट्स, जो नॉर्मल पेड़ पौधे होते हैं. और एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी पानी के अंदर अलग अलग किस्म के माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं, वो वहाँ पे फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं. देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट बायोटिक कॉम्पोनेंट विच इज कंज्यूमर्स, दैट इज अस. इन्हें कहते हैं हेटरोट्रोफ्स और फैगोट्रोफ्स, यानी अदर नरिशिंग, जो नरिशमेंट दूसरों से लेते हैं. यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, हेटरोट्रोफ्स, फैगोट्रोफ्स और कंज्यूमर्स. एज वी नो वी आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आवर ओन फूड. हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, सो वी आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग दैट. दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ. या तो प्लांट्स से मिलता है ऑर्गेनिक फूड, या एनिमल्स से मिलता है, या
कुछ को दोनों से भी मिलता है। अब कंज्यूमर्स को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कौन से हैं? पहला है मैक्रो कंज्यूमर्स और दूसरा है माइक्रो कंज्यूमर्स। एक एक करके देखते हैं दोनों को। मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं विच फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ एंड आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ फूड सोर्स, यानी या तो वो पौधे खाते हैं या जानवर खाते हैं, दोनों खा सकते हैं। इनमें पहला आता है हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जानवर, गाय बैल बकरी काऊ रैबिट्स, जो शाकाहारी जानवर होते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं यानी हर्बीवोरस को खाने वाले, फॉर एग्जाम्पल वुल्फ यानी भेड़िया। ओके, देन वी हैव कार्निवोरस। कार्निवोरस वो है जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लायंस विच कैन ईट वुल्फ। ओके, सो वुल्फ इज ईटिंग अ प्राइमरी कंज्यूमर एंड लायन इज ईटिंग अ सेकेंडरी कंज्यूमर, सो लायन इज कार्निवोरस। ओके, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले हैं, मांसाहारी जानवरों को खाने वाले, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। एंड देन वी हैव ओमनीवोरस। ओमनीवोरस दैट कैन कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन मंकी, ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खा सकते हैं, उनकी बॉडी इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होती है। नाउ वी हैव माइक्रो कंज्यूमर्स। अभी हमने पढ़ा था मैक्रो कंज्यूमर्स, इन्हें और कौन से नाम है दूसरे? सैप्रोट्रॉफ्स, डीकम्पोजर्स और ऑस्मोट्रॉफ्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें आते हैं बैक्टीरिया फंगी, जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जो सड़ी गली चीज़ें रहती हैं हमारे घर में, जैसे खाना खराब हो जाता है तो उसमें क्या लगता है? फंगी लग जाती है। जो मर जाते हैं जानवर उनमें क्या लग जाते हैं? फंगी लग जाती है, बैक्टीरिया फंगी, ये सब लोग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, राइट, ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, और उनसे इस डिकम्पोजिशन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं इकोसिस्टम में, जो बाद में प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, जो प्लांट्स यूज करके उन्हें वापस से रिसाइकल करते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता रहता है हमारे एनवायरनमेंट में। अर्थवर्म्स को और कुछ सॉइल ऑर्गेनिज्म, कौन से? नेमेटोड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, इन्हें कहते हैं डेट्रिटस फीडर, जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं और उन्हें डेट्रिवोरस कहते हैं। ओके, सो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि डेट्रिवोरस में और डिकम्पोजर्स में क्या डिफरेंस है? तो इनमें डिफरेंस ये है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया फंगी, वो लोग उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को खुद खाते नहीं हैं, दे डोंट ईट इट, राइट। अर्थ वर्म्स और ये जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है ये इन्हें खाते हैं, दे कंज्यूम इट और फिर एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि नॉर्मल दूसरे एनिमल्स और ह्यूमंस एक्सक्रीट करते हैं। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया और फंगी, वो सिर्फ एक्सटर्नली उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको खाते नहीं हैं, ओके, उसको कंज्यूम नहीं करते किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर को। जबकि इससे अर्थ वर्म हुआ जो कि डेट्रिवोरस है, वो उसके लार्ज पोर्शन को जिसको ब्रेक डाउन कर रहा है उसको खाता है, कंज्यूम करता है, एक्सक्रीट भी करता है, ओके। और डेट्रिवोरस के कंजम्पशन से वो और ज़्यादा ओपन हो जाता है डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा, ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिकम्पोजर्स एंड डेट्रिवोरस। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय जमीन और दूसरा एक्वेटिक यानी जलीय पानी। टेरेस्ट्रियल को बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं फॉरेस्ट ग्रासलैंड डिजर्ट्स में, एक्वेटिक को डिवाइड कर सकते हैं फ्रेश वाटर सलाइन यानी जिसमें लवणीय जल होता है, नमक होता है, एंड मरीन वाटर यानी समुद्र का पानी। नाउ वी हैव एन इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑफ होमोस्टैटिस। होमोस्टैटिस क्या कहता है? कि इकोसिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद को रिस्टोर कर सके, वो अपने इक्विलिब्रियम को बना के रख सकता है, इस कैपेबिलिटी को कहते हैं होमोस्टैटिक। डिफरेंट चेंजेस करके जब भी इसका बैलेंस बिगड़ता है ये अपने ओरिजिनल स्टेट को रिकवर कर लेता है, ओके। और इसका स्ट्रक्चरल
और फंक्शनल प्रोसेस चलता रहता है, तो इस कैपेबिलिटी को कहते हैं होमोस्टेसिस। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है विच इज़ अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इटसेल्फ। अभी भी हम इकोसिस्टम में ही चल रहे हैं। इट इज़ इकोटोन। व्हाट इज इकोटोन? इट इज़ अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। यानी जहाँ दो अलग इकोसिस्टम मिलते हैं तो उस मिलने की जगह को, जोन ऑफ जंक्शन को कहते हैं इकोटोन। जैसे मैंग्रोव, मैंग्रोव में कौन से दो इकोसिस्टम मिलते हैं? मरीन एंड टेरेस्ट्रियल, जहाँ ज़मीन ख़त्म हो रही है और समुद्र शुरू हो रहा है। दूसरे हैं ग्रासलैंड, एस्चुअरी एंड रिवर बैंक। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, दिस इज लैंड इकोसिस्टम, दिस इज एक्वाटिक इकोसिस्टम, और यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है, दिस इज ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम वन, इकोसिस्टम टू एंड इकोटोन। इकोटोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। इसमें इसके आसपास जो दोनों इकोसिस्टम हैं, दोनों की कंडीशंस होती हैं। हेंस इट इज़ अ जोन ऑफ टेंशन। टेंशन मीन्स यहाँ पर पानी के भी गुण हैं और यहाँ पर ज़मीन के भी गुण हैं, अगर हम मैंग्रोव की बात करें तो। ओके, इट इज लीनियर एज इट शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ वन इन कमिंग कम्युनिटी एंड साइमल्टेनियस डिक्रीज इन स्पीशीज ऑफ आउटगोइंग जॉइनिंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी। यानी लीनियर है, ऐसा नहीं कि अचानक से आपको कोई नई प्रजाति देखने को मिल जाएगी। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो जो इकोसिस्टम ख़त्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ख़त्म हो रहा है तो हमें टेरेस्ट्रियल के जानवर कम मिलते जाएंगे और दूसरे जानवर जो कि मरीन एनिमल्स हैं वो हमको मिलते जाएंगे, या जो इस एरिया के स्पेशलिस्ट हैं एनिमल्स। तो देर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज एंड ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ स्पीशीज। ओके, सडन कुछ नहीं होता है, इट इज़ अ लीनियर सिस्टम। इकोटोन, वेल डिवेलप्ड इकोटोनिंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं विच आर इंटायरली डिफरेंट ऑफ एडजॉइनिंग कम्युनिटी। यानी कि जो इकोसिस्टम वन और टू में है ही नहीं, ऐसे स्पीशीज आपको यहाँ मिल सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं एक वेल डिवेलप्ड इकोटोन में। नाउ देयर इज एन इफेक्ट कॉल्ड एज इफेक्ट। व्हाट इज एज इफेक्ट? कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्पीशीज और उनकी पॉपुलेशन इकोटोन में ज़्यादा हो रादर देन उनके आसपास के दोनों एडजॉइनिंग इकोसिस्टम से। इसे कहते हैं एज इफेक्ट। जो स्पीशीज पर्टिकुलरली इस इकोटोन में हमको ज़्यादा मिल रही है उन्हें हम कहते हैं एज स्पीशीज। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एज इफेक्ट स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। यानी कि मिक्स्ड हैबिटेट में बर्ड्स की संख्या ज़्यादा होती है फॉरेस्ट से या डेजर्ट से भी ज़्यादा। जहाँ पर दो इकोसिस्टम के गुण हैं वहाँ पर बर्ड्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो उसे कहते हैं एज इफेक्ट। सो नाउ वी हैव अनदर डेफिनेशन विद इन इकोसिस्टम इटसेल्फ। इट इज़ कॉल्ड नीश। नीश क्या होती है? एक यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। यानी एक इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर स्पीशीज की क्या जगह है उसे कहते हैं नीश। नीश डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो उस पर्टिकुलर स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए वहाँ पर चाहिए। एक स्पीशीज का नीश यूनिक होता है, यानी उसकी जगह और उसकी सर्वाइवल की चीज़ें, उसको कैसा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट चाहिए, उसके आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ये एक स्पीशीज के लिए यूनिक होता है। कि किसी भी दो स्पीशीज का नीश सेम नहीं होता है, उनकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती है, उनकी सर्वाइवल की कंडीशंस एकदम सेम नहीं होती है, हर एक का यूनिक होता है। तो अगर हमें किसी भी हैबिटेट को बचाना है, किसी भी जीव जंतु को, प्राणी को बचाना है, किसी पेड़ पौधे को बचाना है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें उसके नीश के बारे में पता हो। नीश किस तरह के हो सकते हैं? पहला है हैबिटेट नीश, यानी वो किस एनवायरमेंट में रहता है, कहाँ रहता है। फूड नीश, उसकी फूड हैबिट्स क्या हैं, क्या खाता है, या डिकम्पोज करता है, या कौन सी स्पीशीज़ के साथ वो कम्पीट करता है अपनी फूड के लिए, ये उसकी फूड नीश है।
देन इट हैज रिप्रोडक्टिव नीश, जैसे जानवरों का पर्टिकुलर मेटिंग टाइम होता है, हर एक का अपना अलग होता है, वो कहाँ कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये उसका रिप्रोडक्टिव नीश है। लास्टली फिजिकल एंड केमिकल नीश, यानी किस तरह का टेम्परेचर, लैंड शेप, स्लोप, ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, यानी वो जिस एनवायरमेंट में रहता है, जो उसको सूटेबल हो, वो कैसा होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल नीश में आता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी, वो है बायोम्स। बायोम्स क्या होते हैं? जो पूरा टेरेस्ट्रियल पार्ट है, यानी जो भी स्थलीय पार्ट है पृथ्वी का, उसे हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन के हिसाब से, एनिमल लाइफ और जनरल सॉइल टाइप के हिसाब से। तो उनमें से हर एक पार्ट को जो हमने डिवाइड किया है, उन्हें हम कहते हैं बायोम। एज यू कैन सी हियर वी हैव अ पिक्चर ऑफ बायोम। यहाँ पर अपने पास है पोलर, ओके, टुंड्रा, बोरियल फॉरेस्ट, कोल्ड डिजर्ट, ट्राइडी टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट, वार्म डिजर्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आइलैंड, सवाना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल रेन, जिसे आप ज्योग्राफी में पढ़ ही रहे होंगे ऑलरेडी। तो एक पूरी पृथ्वी के स्थलीय भाग को, जहाँ पर ज़मीन है, इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। कहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, कहाँ पर फॉरेस्ट किस तरह के हैं, पेड़ पौधे किस तरह के उगते हैं, कहाँ पर मिट्टी कैसी है, तो उन सभी को कहते हैं, उनमें से हर पार्ट को हम बायोम कहते हैं। देखते हैं कौन से तरह के बायोम्स हैं। द फर्स्ट दैट वी हैव हियर इज टुंड्रा बायोम। टुंड्रा का नाम सुनते ही हमें पता है, जो बहुत एक्सट्रीम ठंडी जगह होती है पोल्स पे, पूरे अर्थ के तो दोनों पोल से, वहाँ पर नॉर्दर्न एंड सदर्न, उस एरिया को बोलते हैं टुंड्रा। यहाँ पर कोई ट्रीज नहीं होती है, एक्सेप्ट छोटी श्रब्स होती हैं वहाँ पे। और यहाँ के मेन एनिमल्स हैं रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नोई आउल, लेमिंग, आर्कटिक हेयर। आर्कटिक हेयर यानी वहाँ पर अलग खरगोश मिलते हैं, हेयर मतलब खरगोश। रेनडियर जो हम सुनते ही आए हैं, वहाँ पर स्लेज खींचते हैं। पोलर बियर हम जानते हैं, ध्रुवीय भालू, ये टुंड्रा में मिलते हैं। देन वी हैव टाइगा। टाइगा कौन सा एरिया है? नॉर्दर्न यूरोप का है, यूरोप के ऊपरी भाग में एशिया, नॉर्दर्न अमेरिका। यहाँ पर टुंड्रा से बेटर टेम्परेचर होता है। यहाँ पर कॉनिफेरस, एवरग्रीन, स्प्रूस और पाइन एंड फर के पेड़ होते हैं। जानवरों में होते हैं बर्ड्स, हॉक्स, फर बियरिंग कार्निवोरस, मिन्स, प्यूमा, साइबेरियन टाइगर, वुल्वराइन, ये सब यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल और सदर्न यूरोप में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, इन सब जगह मिलता है। ये फॉरेस्ट के आधार पर डिवाइड किया है। यहाँ फ्लोरा यानी पेड़ पौधे कौन से हैं? बीच, ओक, मेपल, चेरी। यहाँ पर ज़्यादातर एनिमल्स वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज हैं पूरी पृथ्वी में। वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रेट्स, और जिनमें नहीं होती है इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट बायोम हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये इक्वेटोरियल रीजन में मिलते हैं, विषुवत रेखा के आसपास, 0 डिग्री के आसपास। यहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों हाई होता है। ये पृथ्वी का 7% कवर करते हैं ये रेन फॉरेस्ट, और दुनिया का 40% प्लांट एंड एनिमल यही मिलते हैं इन्हीं रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पर खासकर कैनोपी या ट्री टॉप जोन्स टाइप के पेड़ मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सवाना बायोम्स। ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, और कहाँ? अफ्रीका में, मोस्ट एक्सटेंसिव इन अफ्रीका। सवाना का मतलब है ग्रासेस विद स्कैटर्ड ट्रीज, घास होती है और कहीं दूर दूर क्षेत्र में पेड़ होते हैं, और थ्रोनी श्रब्स यानी कटीले झाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर मोस्टली मिलते हैं एंटीलॉप्स, बफेलो, जीब्रा, एलिफेंट, राइनोसीरस, गेंडे, ये सब यहाँ पे जानवर मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ मिलता है लायन, चीता, हाइना, मंगूज एंड रोडेंट्स। रोडेंट्स एक तरह के चूहे होते हैं। देन वी हैव ग्रासलैंड्स। ये कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन। यहाँ पर
टेम्परेट कंडीशंस होती हैं और बारिश कम होती है। यहाँ की मेन वेजिटेशन घास होती है और यहाँ पर हर्बीवोरस मिलते हैं, बाइसन, एंटीलोप, कैटल, रोडेंट्स, प्रेरी डॉग्स, ये सब यहाँ पे मोस्टली जानवर मिलते हैं, और डाइवर्स एरे ऑफ ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड, घोंसला बनाने वाले काफ़ी चिड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। अगला बायोम हमारा है डेजर्ट्स, यानी रेगिस्तान, मरुस्थल, जितने भी महाद्वीप हैं उनके अंदर के भागों में हमेशा होते हैं, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होता है और दिन बहुत गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ की जो फ्लोरा यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि कम पानी में सर्वाइव करना जानते हैं, कैक्टस, यूफोर्बियस, सेज ब्रश, और यहाँ के प्राणियों में, जानवरों में रेप्टाइल्स, रेंगने वाले स्मॉल मैमल्स और बर्ड्स होते हैं। अब हम देखते हैं एक्वेटिक जोन्स। एक्वेटिक सिस्टम्स आर नॉट कॉल्ड बायोम्स, हाउएवर दे आर डिवाइडेड इंटू डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स विद रीजन्स ऑफ रिलेशन प्लांट एंड एनिमल। इनको बायोम्स तो नहीं कहते हैं पर इनको तो भी डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में। उनमें डिफरेंस किस बेसिस पे लिया है? सैलिनिटी, यानी कितनी लवण है, कितना नमक घुला हुआ है, लेवल्स ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, पानी में कितनी न्यूट्रिएंट्स हैं, पानी का टेम्परेचर कैसा है, सनलाइट कहाँ तक पेनिट्रेट कर सकता है, कितनी गहराई तक, उस आधार पर हमारे पास ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है, विच आर फ्रेश वाटर मरीन इकोसिस्टम, एस्चुरीज, कोरल रीफ एंड मैंग्रोव। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम लोटिक यानी मूविंग वाटर या लेंटिक यानी स्टैग्नेंट वाटर में डिवाइड कर सकते हैं। लोटिक मतलब हो गया झरने, नदी, जो पानी बहता रहता है, और लेंटिक मतलब हो गया स्वाम्स, झीलें, तालाब, जो पानी बहता नहीं, जो रुका हुआ रहता है। नेक्स्ट वी हैव मरीन इकोसिस्टम। संसार का 3/4 भाग हम जानते हैं कि ओशन से कवर्ड है, समुद्री पानी से कवर्ड है, जिसकी औसत गहराई है 3,750 मीटर और सैलिनिटी है 35 PPT। PPT का मतलब है पार्ट्स पर थाउजेंड। देन वी हैव कोस्टल बेस। एस्चुरीज में क्या आती है? कोस्टल बेस, तटीय घाड़ियाँ, नदी के मुहाने, टाइडल मार्शेस, ये सब एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज में क्या होता है? नदी का जो फ्रेश वाटर होता है वो समुद्र के पानी से मिलता है, एंड द टू आर मिक्स बाय एक्शन ऑफ टाइड्स, और टाइड्स जो आते हैं, ज्वार आते हैं, उनके एक्शन से ये दोनों नदी और समुद्र का पानी आपस में मिल रहा होता है। एस्चुरीज आर हाईली प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू एडजेसेंट सी और रिवर, यानी समुद्र और नदी जिन दोनों से मिलकर बना होता है उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव एस्चुरीज होती हैं। सो आर लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी इज बायोस्फीयर। नाउ व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सके, एंड इट इंक्लूड्स एटमॉस्फेयर मतलब एयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर, और लिथोस्फीयर लैंड। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वी हैव गॉट एटमॉस्फेयर, एयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। लेकिन बायोस्फीयर कौन सा पार्ट है जहाँ इन तीनों का सम्मिश्रण हो, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सके, यानी इतना सारा एटमॉस्फेयर, इतना सारा लिथोस्फीयर और इतने हाइड्रोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करने जैसी सिचुएशन नहीं है तो उसे हम बायोस्फीयर नहीं कहेंगे। इन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का वो कॉम्बिनेशन जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। इट इज़ अ नैरो लेयर अराउंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी अगर हम मान लीजिए कोई एप्पल है, अगर उसके ऊपर बायोस्फीयर को समझना चाहें, अगर पृथ्वी कोई एप्पल है तो एप्पल की जो स्किन होती है, एप्पल का जो छिलका होता है, उसको हम कह सकते हैं बायोस्फीयर, राइट? क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो पृथ्वी के ऊपर एक जो लेयर है जहाँ जिंदगी सर्वाइव कर सकती है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर कहाँ तक है? बिटवीन 200 meters बिलो द सर्फेस ऑफ द ओशन एंड 6,000 meters अबव सी लेवल, यानी
समुद्र से 6000 मीटर ऊपर तक जिंदगी होती है और समुद्र तल से 200 मीटर नीचे तक जिंदगी होती है, जीवन होता है, उसके बाद नहीं होता है, उसके बाद नहीं हो सकता। तो ये है बायोस्फीयर की लिमिट। नॉर्थ और साउथ पोल में जहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस होती है वहाँ बायोस्फीयर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड होती है कि वहाँ कोई लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है। ऑल्दो वहाँ पे कुछ फंगी एंड बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो लोग मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, दे आर नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो उसके लिए उनको कंसिडर नहीं करते हैं। इसके अलावा हाइएस्ट माउंटेन्स और समुद्र के बहुत नीचे भी जहाँ पर किसी तरह का कोई जीवन नहीं है, उन्हें भी हम बायोस्फीयर में इंक्लूड नहीं करते हैं। बायोस्फीयर में जिंदा रहने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? वी नो फ्रॉम द सन, सूरज से आती है। और न्यूट्रिएंट्स जो जिंदा रहने के लिए बाकी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे एयर, वाटर और सॉइल से आते हैं, राइट? वही सेम केमिकल्स रिसाइकल होते हैं, वही सेम केमिकल्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होते रहते हैं बार बार और प्रकृति में घूम फिर के आते रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे बायोस्फीयर में एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कहीं पर तो उनकी संख्या ज़्यादा है और कहीं पर उनकी कम है। पोलर रीजन्स में सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म रहती है, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में खूब सारे तरह के स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं। सो हियर एंड्स आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इन्वायरमेंट बुक, दैट इज इकोलॉजी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ये हेल्पफुल लग सकता है। ऑल्सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।